नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी लाइव। मैं हूं आपके साथ सचिन। जब दर्द देने वाले ही हम दर्द बन जाते हैं तो अंजाम कुछ ऐसा ही होता है। हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया की, जो कि कल तक अगर और मगर के नाव पर सवार थी, लेकिन अब टीम इंडिया का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। टीम इंडिया WTC के फाइनल में पहुंच गई है और ये मुमकिन हुआ एक ऐसी टीम की वजह से जिन्होंने 2 साल पहले टीम इंडिया को दर्द दिया था। जी हाँ, अभी 2 साल भी नहीं हुए जब कीवी टीम ने भारत को WTC के फाइनल में हरा दिया था और अब कीवी टीम ही है जिसकी वजह से टीम इंडिया WTC के फाइनल में पहुंच पाई है। आज से 628 दिन पहले की बात है, 23 जून 2021 को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ गया। हालांकि कीवी टीम इस बार अपने टाइटल को डिफेंड करने में नाकाम रही, लेकिन उसने श्रीलंका पर अपनी धाक जमा करके भारतीय टीम को WTC में पहुंचने का रास्ता दे दिया। यानी कि न्यूजीलैंड टीम ने श्रीलंका को 2 विकेट से हरा दिया। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली टीम है जो WTC के फाइनल में पहुंच गई। टीम ने इंदौर टेस्ट में जीत हासिल करके ही अपनी जगह पक्की कर ली। वहीं दूसरी ओर दूसरी टीम को लेकर के भारत और श्रीलंका के बीच फैसला होना बाकी था। जहां एक तरफ टीम इंडिया को अहमदाबाद टेस्ट में हर हाल में जीत चाहिए थी, तो वहीं टीम को हार या ड्रॉ करने पर श्रीलंका टीम के पास एक मौका रहता कि वह कीवी टीम को टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराए और अपनी जगह पक्की कर ले। लेकिन क्राइस्टचर्च में खेले गए पहले ही टेस्ट मैच में श्रीलंका की हालत खराब हो गई। नतीजा ये हुआ कि अहमदाबाद टेस्ट की किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ही टीम इंडिया ने WTC फाइनल का रास्ता तय कर लिया, जहां अब इस साल के जून महीने में भारत और ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच WTC का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आपको बता दें, 2 साल पहले WTC के फाइनल में न्यूजीलैंड और भारत की टीम पहुंची थी। न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया था और खिताब अपने नाम किया था, जहां उसके बाद एक और बार सभी टीमें एक साथ आई और कई सारे मुकाबले खेले गए। लेकिन अब WTC का फाइनल मुकाबला जो जून में खेला जाएगा, उसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने होंगी और ज़रूर इस बार टीम इंडिया चाहेगी कि न्यूजीलैंड के समय में जो गलतियां हुई थी वो यहां रिपीट ना हो और ऑस्ट्रेलिया को हरा करके खिताब अपने नाम किया जाए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।